हेलो एवरीवन, सो टुडे अगेन वी आर हियर विद रिसर्च एप्टीट्यूड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कल हमने कुछ बेसिक जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की थी अबाउट रिसर्च कि लाइक रिलायबिलिटी क्या होती है या फिर रिलायबिलिटी की फर्दर कैटेगरीज कौन कौन सी थी, कौन सी टाइप्स वगैरह थी, वो सब हमने कल डिस्कस किया था, राइट. तो आज हम लोग कुछ फर्दर इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग. चलिए, तो बेसिकली ये है कि वी आर लाइक हमने एक कोर्स लॉन्च किया जिसमें हम लोग पेपर वन जो है कंप्लीट करवा रहे हैं विद PYQs, ठीक है. तो ये बैच मैं लूंगी जिसमें हम लोग इंटायर जो 10 यूनिट्स होंगे आपके पेपर वन की, 10 यूनिट्स जो है वो हम लोग कवर करेंगे, राइट. दीज विल बी द लाइव क्लासेस एंड प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी आपको प्रोवाइड होंगी. PDF मटेरियल जो होगा वो सब आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. देन देयर विल बी प्रॉपर डाउट सेशंस आल्सो, टेस्ट वगैरह भी होते रहेंगे बीच में, मॉक टेस्ट वगैरह. एंड इसी को हम लोगों ने एक नाम दिया है यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस का, ठीक है, जहाँ पे हम लोग टेस्ट वगैरह लेंगे. सो डैट जो है प्रॉपर आप लोगों की एक बार रिविजन हो जाए, ठीक है, साथ साथ जो है वो रिविजन हो जाए. देन दिस विल बी लाइक जो वैलिडिटी होगी ना, आप अगर एक बार परचेज कर लेते हैं, जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम होगी, ठीक है. तब तक आप लोग जो है रिकॉर्डेड वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं. देन फर्दर जो भी रिकॉर्डेड सेशंस होंगे वो भी आप लोग जो है अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट टाइम आप लोग जो है उनको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, राइट. तो ये सारी जो है वैलिडिटी टिल एग्जाम जो होगी आपको प्रोवाइड होगी. देन फर्दर अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप लोगों के पास यहाँ पे 2 नंबर डिस्प्लेड है, आप किसी भी नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर पेपर वन, ठीक है, जो कि हमारा जनरल पेपर होता है, राइट. एंड अगर आप लोग पेपर टू के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो कंप्यूटर साइंस का जो है मैम पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का पेपर 2, राइट. तो यहाँ पे भी वही चीज है, आपको कंप्लीट जो है सिलेबस वगैरह भी प्रोवाइड होगा, प्रॉपर सिलेबस आप लोग कवर करेंगे. तो 2 तरह के कोर्सेज है, एक हमारा है प्रैक्टिस कोर्स, ठीक है, और एक कंप्लीट जो कोर्स है वो लॉन्च हुआ है, वहाँ पे आप लोग कंप्लीट जो है सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे गेट के, नेट के, PYQs जो है वो सब कुछ आप लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों की बहुत अच्छी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है. तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे. चलिए, लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले हमने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है, रिसर्च के कुछ टाइप्स वगैरह भी डिस्कस कर ली थी हमने कल. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वैलिडिटी से. ये सारा हमने कल डिस्कस किया था, राइट. तो चलिए वैलिडिटी से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैलिडिटी, ठीक है. कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द रिलायबिलिटी, जिसमें रिलायबिलिटी का हमारे पास क्या मीनिंग था कि जो हमारा रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट आना चाहिए, ठीक है. जो भी रिजल्ट आप लोगों का आता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा इट मस्ट बी कंसिस्टेंट रिजल्ट जो है आपको प्रोड्यूस होना चाहिए. जितनी बार भी आप टेस्ट जो है वो करके देखेंगे, हर बार जो है सेम रिजल्ट आप लोगों के पास आना चाहिए. देन फर्दर ये है कि सेकेंड जो हमारे पास चीज आती है डैट इज योर वैलिडिटी. वैलिडिटी होता है कि जो भी आपने मेजर्स वगैरह लगाए हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही लगाए हैं और एक्चुअल में जो आपका एम था, जो आपकी लाइक ऑब्जेक्टिव था रिसर्च को परफॉर्म करने का, फाइनली आपने वही जो है मिला भी है आपको वो सब परफॉर्म करने के बाद, ठीक है. तो हम लोग ये देखते हैं कि अब वैलिडिटी इन डिटेल में होता क्या है एक्चुअल में.
तो वैलिडिटी क्या है रिसर्च में? इट स्टैंड्स फॉर द एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपने टूल्स एंड मेजर्स यूज किए होंगे, द प्रोसीजर यूज किया होगा रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए, वो सब आपने बिल्कुल सही लगाया है, सही तरीके से लगाया है. ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी कैन ऑल्सो भी अंडरस्टूड, कहता है कि हम लोग इस तरह से भी जज कर सकते हैं कि कोई रिसर्च परफॉर्म करने के लिए आपने एक क्वेश्चनियर बनाया था, एक सर्वे फॉर्म बनाया था, जो कि आपने बिल्कुल उस टॉपिक को रिलेट करते हुए बनाया था. अगर वो आंसर फिल हो जाए एक बार, तो आपका रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तो इस तरह से आपने देखना है कि जो भी आपका इंटेंडेड मेजर था ठीक है, वही आपने परफॉर्म किया है. राइट, तो आई होप कि जो बेसिक डेफिनेशन है वैलिडिटी की, वो आप लोगों को क्लियर है. वैलिडिटी मीन्स दैट रिसर्च मस्ट बी अनबायस्ड. ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह की जो है बायसनेस नहीं होनी चाहिए. किसी फोर्स में आकर के, किसी प्रेशर में आकर के आप जो है रिसर्च को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं. प्लस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन कि सिस्टमेटिक एरर वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए जब आप रिसर्च परफॉर्म करेंगे. देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ सिस्टमेटिक एरर. ठीक है, तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे लर्न कर लेना है, क्योंकि एरर होगा तो वो जो है वो एप्लीकेबिलिटी जो होती है रिसर्च की वो खराब हो जाती है. वो बहुत अच्छी जो है आपकी रिसर्च नहीं मानी जाएगी. ठीक है, कहीं पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, तो वो होता है आपका अनबायस्ड होना चाहिए. ठीक है, रिसर्च जो भी आप परफॉर्म करेंगे और किसी भी तरह की एरर नहीं होनी चाहिए. कहते हैं अगर विदाउट वैलिडिटी आप परफॉर्म करेंगे तो रिसर्च कहीं ना कहीं आपकी जो रिसर्च है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएगी. ठीक है, जो आपने मेजर करना था, जो आपको आउटपुट चाहिए थी, वो आपको नहीं मिल पाएगी. राइट, तो ऑन द होल अगर हम लोग वैलिडिटी को समझने की कोशिश करते हैं, कहते इट इज एक्सटेंड टू विच अ टेस्ट मेजर्स. ठीक है, किस हद तक आप मेजरमेंट्स को अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट के लिए, और जिस हिसाब से कर रहे हैं क्या वो सही है, जिस हिसाब से आप करना चाहते थे वो करना होगा आपको, उसी तरह से ही अप्लाई कर रहे हैं सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आप लोग, सो दैट इज योर वैलिडिटी. ठीक है, कहते हैं कि द क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी इज रेज्ड, हम तीन पॉइंट्स में समझ सकते हैं. पहला है किस फॉर्म का टेस्ट है, द फॉर्म ऑफ द टेस्ट किस तरह का बनाया है आप लोगों ने, क्या उसमें पर्पस आपका जो है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं. देन है कि द पॉपुलेशन फॉर हुम इट इज इंटेंडेड, मतलब जिस टारगेट पे आप उसको अप्लाई करना चाहते क्या वो आपने सही से वहीं पे अप्लाई किया है ना, सो दैट इज योर वैलिडिटी. ठीक है, तो ये थी हमारे पास बेसिक डेफिनेशन अबाउट योर वैलिडिटी. राइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास kinds of validity. तो अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि we are having some basic categories, आप लोग बोल लो. ठीक है, तो आप लोग ना different different जगह पर देखेंगे तो अलग अलग तरह के जो है आपको types दिखाई देंगे. ठीक है, अगर आप अलग अलग persons का भी पढ़ रहे हैं तो आपको अलग अलग तरह के flow charts जो है वहाँ पे दिखाई देंगे, जो basic category है. ठीक है, तो आप लोगों से exam में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि किसके अंदर कौन सी type आती है. ठीक है, किसके अंदर कौन सी टाइप आ रही है, ऐसे तो हार्डली कोई पूछेगा आपसे. तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो होगा कि प्रॉपर डेफिनेशन पर या उसकी एप्लीकेशन पर आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, सो दैट वो जज कर पाए कि आपको बेसिक जो उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है या नहीं. राइट, सो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है. देयर आर काइंड्स ऑफ वैलिडिटी, सो फर्स्ट इज योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. तो हम लोग क्या करेंगे, साइड बाय साइड वी विल लर्न ऑल दीज कैटेगरीज. ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जिसको हम लोग बोल देते हैं मेजरमेंट. ठीक है, मतलब बिल्कुल ही कंप्लीट कंसेप्ट थ्योरेटिकल हो गया उसके बारे में, कंप्लीट कंसेप्ट हो गया सारा कुछ, हम लोग इस वैलिडिटी में यहाँ पे चेक करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्रेंस वैलिडिटी. ठीक है, इन्फ्रेंस वैलिडिटी, तो यहाँ पे इन्फ्रेंस वैलिडिटी का मतलब है कंप्लीट स्टडी. यहाँ पे हमने मेजरमेंट की बात की थी एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टडीज. राइट, सो बेसिक कैटेगरी हमने दो पढ़ी है, फर्स्ट इज योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड सेकंड इज योर इन्फ्रेंस वैलिडिटी. ठीक है, अब अगर हम लोग, मैं पहले सेकंड पे डिस्कस कर रही हूँ इन्फ्रेंस वैलिडिटी पे, तो यहाँ पे हमारे पास है एक इंटरनल वैलिडिटी आ जाती है हमारे पास, एंड एक और कैटेगरी है हमारे पास एक्सटर्नल वैलिडिटी. ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे इन डिटेल. राइट, अंडर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हमारे पास क्या है, एक है ट्रांसलेशन, एक है हमारे पास क्राइटेरिया.
ठीक है, अब ट्रांसलेशन के अंडर आप लोगों के पास, अगर मैं इसको डिवाइड करूं यहाँ पे, तो मैं एक बोल देती हूँ फेस वैलिडिटी, ठीक है, एक और कैटेगरी मैंने ली है यहाँ पे ट्रांसलेशन के अंदर, कंटेंट वैलिडिटी। तो साथ साथ हम लोग लर्न करते रहेंगे इस चीज को, ठीक है। तो एक हमारे पास आता है, अब आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए हैं इस चीज को कि ट्रांसलेशन के अंदर क्या है हमारे पास, फेस वैलिडिटी एंड कंटेंट वैलिडिटी। अब क्राइटेरियन के अंदर हमारे पास क्या है, क्राइटेरिया के अंदर आप लोग यहाँ पे फर्दर कैटेगरीज बनाएंगे इसके नीचे, प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हो गई, ठीक है, एक हमारे पास हो जाएगी कॉन्करेंट वैलिडिटी, एक हमारे पास है यहाँ पे पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी, पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। तो मैंने सबके नीचे यहाँ पे वैलिडिटी वर्ड जो है वो नहीं लिखा, बट दीज ऑल आर द कैटेगरीज अंडर योर वैलिडिटी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक बेसिक जो है वो डायग्राम बनाया है, पहले ओवरऑल मैंने कंस्ट्रक्ट एंड इन्फ्रेंस वैलिडिटी में इनको कन्वर्ट कर लिया, देन अंडर कंस्ट्रक्ट यू आर हैविंग फॉर द टू टाइप्स, वन इज ट्रांसलेशन एंड क्राइटेरियन। ट्रांसलेशन के अंडर आ गया हमारे पास फेस एंड कंटेंट, एंड क्राइटेरियन के अंडर आ गया हमारे पास, क्राइटेरिया के अंदर प्रिडिक्टिव, कॉन्करेंट एंड पोस्ट डिक्टिव, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे रिवीजन के लिए मैंने एक और डायग्राम यहाँ पे कोड कर लिया, जो कि हमने पिछली स्लाइड में ये कवर किया है, ठीक है, बट स्टिल दोबारा रिवीजन देंगे इसको। देखिए यहाँ पे क्या चीज है, वैलिडिटी। अब यहाँ पे हमने इस दोनों को डिवाइड किया है ट्रांसलेशन के अंदर, राइट ना, ट्रांसलेशन वैलिडिटी के अंदर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आ गई हमारे पास, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हमने ऊपर ओवरऑल पढ़ी थी कि कंस्ट्रक्ट के अंदर हम लोगों ने वो पढ़ लिया था क्राइटेरिया, ठीक है, ये क्राइटेरिया एंड दूसरी जो कैटेगरी हमने पढ़ी थी ट्रांसलेशन की, अगर अलग से भी दी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कंस्ट्रक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एंड कन्वर्जेंट वैलिडिटी, और ये हमने ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया है, क्राइटेरियन के अंदर है प्रेडिक्टिव, कॉन्करेंट एंड पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी। तो अब हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करने से पहले, मतलब एक एक करते रहेंगे ना वो चीज भूलती रहेगी एक एक करके, तो पहले एक बार टेबल के फॉर्म में हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, थोड़ा सा इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, देन उसके बाद हम लोग जो है उसे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आता है फेस वैलिडिटी। अब फेस वैलिडिटी में हमारे पास क्या आता है, टूल मेजर्स, आपको पता है अब सब मेजरमेंट के बेसिस पे चल रहा है वैलिडिटी में, ठीक है। तो टूल मेजर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द ले पर्सन, जो आपने मेजरमेंट मेजरमेंट टेक्निक्स लगाए हैं, जो टूल्स लगाए हैं, क्या वो नॉर्मल पर्सन, जो भी नॉर्मल यूजर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग लगाया है कि नहीं लगाया है, ठीक है। तो मैं इसकी यहाँ पे एक और चीज में डेफिनेशन लिख रही हूँ कि एक सिंपल सी लाइन लिखी मैंने, डज द टेस्ट अपेयर टू टेस्ट व्हाट इट एम्स, ठीक है, व्हाट इट एम्स यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब सिंपली फेस वैलिडिटी का मतलब है, जो भी आपने टूल्स एंड टेक्निक्स यूज की होंगी अपने रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए, क्या वो पर्टिकुलर एम, पर्टिकुलर एम या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल सकती हूँ कि जो भी आपने टूल मेजर्स लगाए हैं कंटेंट के लिए, क्या वो नॉर्मल यूजर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आपने किया है या नहीं किया है, डेट इज योर फेस वैलिडिटी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है फेस वैलिडिटी का, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, ये दोनों ही हमारे पास किसमें थे, ट्रांसलेशन में। तो कंटेंट वैलिडिटी में क्या है, टूल मेजर्स कंटेंट अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट बेस्ड ऑन थ्योरी, ठीक है। अब क्या है, एक्सपर्ट बेस्ड जो थ्योरी का मतलब है, मतलब किसी एक्सपर्ट ने अगर दिया होगा तो वो बिल्कुल सही देगा, ठीक है ना। अगर एक्सपर्ट किसी चीज में कुछ भी आपको राय दे रहा है वो बिल्कुल सही देगा। तो कंटेंट वैलिडिटी का मतलब है आपने कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स ऐसे यूज किए जिससे मैंने ये पता लगा लिया कि आपका जो कंटेंट है वो क्या है, अप्रोप्रिएट, ठीक है, योर कंटेंट इज
अप्रोप्रिएट, तो वो होता है हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी, कि जो कंटेंट है वो बिल्कुल सही है। फेस का मतलब है आप यूजर के फेस से, आप लोग इस पॉइंट को याद रख सकते हैं कि जो जो भी आपने वैलिडिटी परफॉर्म की होगी, मतलब किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं, कि क्या वो पर्टिकुलर एम ऑब्जेक्टिव को लोगों के यूजर के डिमांड को फुलफिल कर पा रहा या नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली एंड दूसरी, तो हमने टाइप्स करी वैलिडिटी की। नेक्स्ट है हमारे पास क्राइटेरिया वैलिडिटी। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि क्राइटेरिया का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रुप्स बने होंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स बने होंगे, तो क्या वो अलग अलग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है, वो वैलिडिटी आपने यहाँ पे चेक करनी है। मैं बोलूँ किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में मुझे रिसर्च करना है, तो उस डिजीज के बारे में कंप्लीट वहाँ पे सब कुछ होना चाहिए। अगर सिंपली डिजीज बोल रहे हैं, इसमें सब तरह के डिजीजेज आ जाएंगे, राइट। तो ये यहाँ पे यही है कि द क्राइटेरिया ऑफ अ टूल मैच अदर टूल्स, अदर टूल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं रिलेशनशिप टू अदर मेजर्स, ठीक है। अगर मैं एक डिजीज की बात कर रही हूँ, डिजीज, अब डिजीज के अंदर अगर ओवरऑल कैटेगरी ले रहे हैं तो सभी तरह के डिजीजेस की ग्रुपिंग यहाँ पे है, सभी के लिए वो चीज वैलिड मानी जाएगी, ठीक है, आपका जो रिसर्च है वो वैलिड माना जाएगा, राइट। सो दिस इज योर क्राइटेरिया वैलिडिटी। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास है यहाँ पे कंकरेंट या फिर कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ठीक है, कंकरेंट एंड कन्वर्जेंट वैलिडिटी। अब ये बोल सकते हो, जैसे मैं अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू में चेंजेस लेके आ रही हूँ, कुछ भी चीजें कर रहे हैं, तो आपकी y भी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, ठीक है। मतलब आपने एक ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किए हैं जो हर जगह पे, उस तरह की हर जगह पे यूज हो सकती है। टूल गिव्स सिमिलर स्कोर्स एज अदर टूल्स ऑन द सेम सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट पे अगर आपने एक टूल से कुछ परफॉर्म किया है, तो सेम सब्जेक्ट पे अगर मैं दूसरा टूल भी यूज करती हूँ सिमिलर काइंड का, तब भी आपके पास सिमिलर टाइप का रिजल्ट जो है आए। तो कॉन्करेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन साथ में लिख देती हूँ कॉन्करेंट के लिए, ग्रीन से लिख दिया मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा। डज इट रिलेट टू अ existing similar measure, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोली कि अदर टूल्स के comparatively equal होगा अगर सेम सब्जेक्ट पे परफॉर्म करें, तो यहाँ पे मैंने यही बात बोली, does it relate to existing similar measure, उसी तरह का है, ठीक है, आप simultaneously भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, ठीक है, अलग अलग करना, ठीक है, मतलब सेपरेशन करना, अगर आप अलग अलग कैटेगरीज को एनालाइज करें तो वो भी हो पाए कि इस तरह के टूल, ठीक है, जिससे आप लोगों को हाई स्कोर मिले अच्छे लोगों के लिए, लो स्कोर मिले मतलब सिक पीपल के लिए, तो आप लोगों ने दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर ली है, डिस्क्रिमिनेशन कर ली है, तो वो आपके पास हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ठीक है। तो आप लोगों के पास इस तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स भी होने चाहिए जिससे आप इस चीज को भी पता लगा पाए, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास प्रिडिक्टिव। अब प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होगा, प्रिडिक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्शन मतलब मैं फ्यूचर को जज कर पाऊँ, राइट, फ्यूचर को जज कर पाऊँ, मतलब आपके जो टूल्स हैं वो इतने को एफिशिएंट हैं, ठीक है, टूल प्रिडिक्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, अभी भी सही चल रहा है, ठीक है, और आपका जो रिसर्च आपने किया है वो फ्यूचर में भी वो कहीं ना कहीं जो है वो अच्छा रिजल्ट देगा, फ्यूचर एप्लीकेशन में भी यूज होगा, डेट इज योर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। किसी भी फैक्टर के बेसिस पे आप लोग जो है ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसके लिए थोड़ी सी डेफिनेशन। Does the test predict later performance? ठीक है, अगर आप थोड़े दिन बाद भी फ्यूचर में भी कुछ करके देख रहे हैं तब भी सही है, ठीक है, later performance on a related criteria, तो ये हमारे पास है predictive, ठीक है, मतलब फ्यूचर के लिए भी वो सही चीज मानी जाएगी आपकी
ठीक है, दैट इज योर प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। मतलब जब आप रिसर्च परफॉर्म करेंगे ना, इतनी तरह की जो वैलिडिटीज हैं आप लोगों को परफॉर्म करके देखनी होती है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कैटेगरी आई है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बनाना किसी चीज को, ठीक है, बनाना। मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट का मतलब मैं बोल सकती हूँ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी सब कुछ सही है, आपके थ्योरी के हिसाब से भी सब कुछ सही है, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, उसका जो सोल्यूशन आपको ढूंढना है ना उसके हिसाब से ही आप बिल्कुल सही चल रहे हो, दैट इज योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। टूल मेजर्स व्हाट इट इज सपोज्ड टू डू, ठीक है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, बिल्कुल सही रास्ते से जा रहे हैं आप लोग, कंसेप्चुअली भी एंड थ्रेटिकली भी बिल्कुल सही है, जो आप सपोज होना करने के लिए रिसर्च में वही चीज परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग, दैट इज योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, थ्रेटिकल कंसेप्ट ले सकते हो यहाँ पे, कंसेप्चुअल ले सकते हो, ये चीजें यहाँ पे मैटर करती है। सो नेक्स्ट आता है मेरे पास, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी क्या होगा कि मतलब इंटरनली आप ये बोल सकते हैं कि कॉज एंड रिलेशन फाइंड आउट करके देख रहे हैं आप लोग, आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप इंटरनली एक दो वेरिएबल्स के बीच में एक चेंज करके दूसरे पे इफेक्ट देख रहे हैं, दूसरा चेंज करके तीसरे पे देख रहे हैं, तो इस तरह की आपस में उनमें रिलेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं विद इन योर रिसर्च, दैट इज योर इंटरनल वैलिडिटी। तो यहाँ पे मेन चीज यही है कॉज एंड इफेक्ट का, कॉज एंड इफेक्ट को ही हम लोग बोल देते हैं कॉजल कंक्लूजन, ठीक है, कॉजल कंक्लूजन। तो ये थी हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आई होप कि कुछ कुछ हमें समझ आ चुका है यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में एक एक करके इसको देखेंगे, क्योंकि एक जो क्वेश्चन होता है वैलिडिटी एंड योर रिलायबिलिटी से आता ही है हमारा क्वेश्चन ऑलवेज, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, अब ये कौन सी डेफिनेशंस हैं जो मैंने अभी ऊपर आप लोगों को ब्रैकेट में लिखवाई है साथ साथ, ठीक है, ये वही डेफिनेशंस हैं। तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं, कंटेंट रिलेटेड क्या होगा, आपका कंटेंट अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है। देन क्राइटेरिया वाले में क्या करते हैं हम लोग, क्राइटेरिया ग्रुपिंग के हिसाब से देखते हैं, रिलेशनशिप टू योर अदर मेजर्स। फेस वैलिडिटी क्या होगा, जो आपका एम है आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कॉन्करेंट का मतलब क्या होगा कि मतलब जो भी डज द रिलेट टू अ एग्जिस्टिंग सिमिलर मेजर, ठीक है, मतलब आप दो चीजें साइमल्टेनियसली भी चला करके देख रहे हैं तो पिछले के साथ अगला कंपेयर कर रहे हैं तब भी वो चीज बिल्कुल सही जा रही है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होगा, थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली आप लोग बिल्कुल सही जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेडिक्टिव हो गया कि फ्यूचर में भी अगर आप कुछ परफॉर्म करके देख रहे हैं, कुछ इनपुट दे करके देख रहे हैं, जो भी आपने रिसर्च किया था, तब भी आपको एक अच्छा रिजल्ट, वैलिड जो रिजल्ट है वो आउटपुट मिल रहा है इन फ्यूचर भी, ठीक है, इन फ्यूचर भी अच्छा मिल रहा है। सो दिस इज योर बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टाइप्स ऑफ योर वैलिडिटी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, अगर किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक किसी भी चीज में तो आप लोग जो है मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, मैं पढ़ लूंगी आप लोगों का मैसेज, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये बेसिक टाइप्स थी हमारे पास कुछ कुछ, चलिए ओवरऑल तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा डिटेल में चेक कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग इंटरनल वैलिडिटी। तो मैं ना ऊपर एक बार डायग्राम पे वापस जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया था इन्फ्रेंस वैलिडिटी के अंदर, मतलब स्टडी है ना, इसके अंदर हमने दो कैटेगरी देखी थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पहले हम लोग ये दोनों डिस्कस कर लेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब देखिए, अगर आप इंटरनल वैलिडिटी परफॉर्म करके देखना चाहते हैं अपने रिसर्च पे, तो रिसर्चर क्या करता है बेसिकली, अ रिसर्चर इज एबल टू एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप, दैट इज आपका कॉज एंड इफेक्ट वाला काम, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट वाला जो काम है वो करके देखेंगे, दो और मोर वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू द नीड करके देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली होता कहाँ है, जहाँ पे आप लोग बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, वहाँ होता है ना, सपोज मेरे पास इस तरह की कोई इक्वेशन है, बार बार मैं एक्स की वैल्यू चेंज करके देखती हूँ एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके देखती हूँ। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर दें, तब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये रिजल्ट है, वाई का रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा,
ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है बार बार जो है कैलकुलेशन करके देखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 पुट करके देखेंगे यहाँ पे, देन हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है ये कुछ भी हो सकता है, राइट। आप अलग अलग तरह की ऑपरेशन जो है चेंजेस करके देखेंगे और आउटपुट पे चेंज देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज स्पेसिफिकली ट्रू इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल आप क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाते हैं, बार बार करके देखेंगे ना एक चीज को, देन डेफिनेटली यू विल बी क्लियर अपॉन दैट पॉइंट। ठीक है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी वेरी क्लियर टू यू पीपल देन, राइट। सो नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल क्या हो गया कि बाहर के जो फैक्टर्स हमें इफेक्ट करेंगे, ठीक है, जब मैं रिसर्च कर रही हूँ जो बाहर के फैक्टर्स हमें इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब बाहर के फैक्टर किस तरह से हो सकता है, सोशली कोई आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो भी एक कहीं ना कहीं आपका एक्सटर्नली जो है आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश कर रहा है, वो मतलब पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, इट कुड बी इन योर नेगेटिव वे ऑल्सो। ठीक है, बोथ वेज आर पॉसिबल ओवर देयर, सो दैट थिंग यू हैव टू कंसिडर ओवर हियर कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपके स्टडी को इफेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में। तो आप लोग एग्जाम्पल देखिए, द रिस्पॉन्स ऑफ अ रिस्पॉन्डेंट इन सोशल साइंस सर्वे, कोई सर्वे चल रहा है आपका, ठीक है, आप कह रहे हो कि अगर आपके सैंपल स्पेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्वे फॉर्म फिल नहीं किया, जो सर्वे का फॉर्म था वो फिल नहीं किया, सपोज आपने 10-10 क्वेश्चंस दिए थे, हर बंदे को 10-10 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, तो जब फिल करके दिया ना, कुछ लोग ऐसे थे जो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने 2 या 3 क्वेश्चन ही परफॉर्म किए हैं, इन्होंने 2 क्वेश्चन परफॉर्म किए हैं, इन्होंने 10 किए हैं, इन्होंने 10 किए, तो ये जो 10 एंड 10 पहला बंदा एंड सेकेंड जो पर्सन था जिन्होंने 10-10 किए हैं, मैं बोल दूंगी ये क्या है, मेरे कंप्लीट पार्टिसिपेंट है, ठीक है ना, ये पार्टिसिपेंट है मेरे सर्वे के, बट ये क्या है, ये नॉन पार्टिसिपेंट हो सकते हैं जिन्होंने धक्के से फिल को करने की कोशिश तो की है बट मन से इन्होंने सारा कंप्लीट नहीं किया। तो इस तरह की एक्सटर्नल वैलिडिटी कहीं ना कहीं आपके जो रिसर्च है, जो आपका स्टडी होगा, उसको ये चीज अफेक्ट करेगी। ठीक है, आपकी जो आउटपुट होगी ना उस चीज में ये इफेक्ट करेगी, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से ही आएगा, जिस तरह का आप लोग सैंपल स्पेस लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने सैंपल स्पेस लेना, जब आप लोग कहीं से भी सोर्स डेटा जो है चूज करेंगे, किसी भी सोर्स से, आपने ध्यान से करना है, राइट। सो ये चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, देखिए एक और इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे, 2-3 इम्पोर्टेंट लाइन है, हम लोग सारी देखेंगे। कहता है इट ऑल्सो रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिसर्च आउटकम कैन बी जनरलाइज। कहता है आपका रिसर्च जो है, जो भी आउटपुट है, वो कितने का जनरलाइज है। जनरलाइज मतलब कि मतलब वो हर जगह पे एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, हर जगह पे वो यूज हो सकता है। आपने इतना अच्छा रिसर्च किया है कि जो उसका रिजल्ट है सिमिलर टाइप के हर प्रॉब्लम पे वो सोल्यूशन जो है परफेक्टली फिट करेगा विद लिटिल मॉडिफिकेशंस, यू कैन से, राइट। कहता है कि अप्लाइड टू अदर केसेस, ठीक है, नॉट अंडर स्टडी। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है, समटाइम्स इंटरनल वैलिडिटी को हम लोग बोल देते हैं क्रेडिबिलिटी। क्या बोल देते हैं हम लोग, क्रेडिबिलिटी। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम लोग इंटरनल वैलिडिटी को, क्रेडिबिलिटी। तो देखिए आगे आप लोग ना यहाँ पे साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर आप लोग बता रहे हैं आंसर, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, देन यू पीपल कैन लाइक चैट ओवर हियर, यू कैन पोस्ट योर मैसेज, योर डाउट्स, कुछ भी है आप लोग वहां पे साथ में लिख सकते हैं। तो इंटरनल वैलिडिटी क्या है हमारे पास, क्रेडिबिलिटी ये कहा जाता है, एंड जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है इसको हम लोग जनरलाइजेबिलिटी भी बोल देते हैं, या फिर या क्या बोल देते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है उनके सिनोनियम दिए गए हैं, आपको ये चीज भी साथ में लर्न करनी है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप, जो कि इन्फ्रेंस के अंदर थी। ठीक है, इन्फ्रेंस के अंदर, देन ट्रांसलेशन के अंडर हमने किया था, एक था हमारे पास फेस वैलिडिटी, एक था कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट अप्रोप्रिएट होगा तो ये हो गया हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, तो फेस वैलिडिटी क्या था कि जो आपने बनाया होगा, अगर सपोज आपने सर्वे फॉर्म क्रिएट किया है, व्हाई आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल एवरी टाइम, सो दैट हमारा जो कंसेप्ट है बेसिक चीज के बारे में वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फेस वैलिडिटी में क्या है,
अगर आपने सर्वे फॉर्म बनाया है, आपने क्वेश्चनियर बनाया है अपने रिसर्च के लिए, तो आपने वो बिल्कुल करेक्ट बनाया है, सही बनाया है, ठीक है, ऐसा ही बनाया है कि आपको अपना एम जो है वो अचीव हो पाए, उसका अच्छा रिजल्ट जो आप चाहते थे ना वही आए, ठीक है, जो इट वॉज सपोज टू बी वही आए, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि फेस वैलिडिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ जी, क्राइटेरिया के अंडर हमारे पास तीन कैटेगरीज थी। मैं वापस डायग्राम पे जा रही हूँ सो डैट अगेन हम लोग एक बार रिवाइज कर पाए इस चीज को। तो यू कैन चेक ओवर हियर, ये देखिए आप लोग यहाँ पे क्या था, प्रेडिक्टिव, कंकरेंट वैलिडिटी एंड पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है इतने पोर्शन को यहाँ पे कवर करेंगे क्राइटेरिया के अंडर, ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास आ गया पहले प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव क्या हो गया, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि लेटर ऑन भी आपको जो है, ठीक है, लेटर ऑन भी वो परफॉर्मेंस अच्छी दे, इस चीज का आप पहले ही जज कर लेते हैं, ठीक है, पहले ही जज कर लेते हैं आप लोग इस चीज को कि वो लेटर ऑन भी फ्यूचर में मुझे अच्छा रिजल्ट जो है, अच्छा आउटपुट देगा, डेट इज योर प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। कॉन्करेंट क्या हो गया, साथ साथ आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। टेस्ट स्कोर्स एंड द क्राइटेरिया अकर आर साइमल्टेनियसली कलेक्टेड, ठीक है, साइमल्टेनियसली कलेक्ट कर रहे हैं आप टेस्ट के स्कोर, जो आप टेस्ट परफॉर्म करें अलग अलग ग्रुपिंग पे आप अप्लाई करके देख रहे हो, साथ साथ आप लोग जो है कंपेयर कर पा रहे हैं बार बार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी। अब पोस्ट डिक्टिव क्या है, टेस्ट स्कोर्स आर कलेक्टेड आफ्टर द अकरेंस ऑफ क्राइटेरिया। अब आप लोग यहाँ पे क्या चीज हमें मैटर करती है, आफ्टर, पोस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट, दैट इज योर आफ्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकती हूँ कि पेरेंट्स थे, बहुत सारे पेरेंट्स थे, इन्होंने डोनेशन दिया है किसी स्कूल के लिए, डोनेशन दिया है किसी स्कूल के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये एग्जाम्पल से कंसीडर कर पाएंगे, जब उन्होंने डोनेशन दे दिया ना स्कूल्स के लिए, ये सारा मैंने अपने रिसर्च में लिख लिया, ठीक है, रिसर्च में सारा मैंने कंप्लीट लिख लिया कि अलग अलग पेरेंट्स जो थे, पेरेंट वन थे, पेरेंट टू थे, पेरेंट थ्री थे, इन सब लोगों ने डोनेशन दिया है स्कूल के लिए, राइट, मनी दी है। तो हम लोग आफ्टर दिस परफॉर्मेंस, ये सारा दे दिया उन्होंने, पैसे दे दिए, उसके बाद हम लोग ये जजमेंट लगा सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम क्या है, इस बात पे हम लोग कुछ जजमेंट जो है लगा सकते हैं। अब जजमेंट ऐसे नहीं है कि आप एग्जैक्ट बताएंगे कि वो इतने लाख कमा रहे हैं या इतने करोड़ कमा रहे हैं, बट यू कैन हैव द लेवल, ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं इनका एक बेसिक लेवल है, ठीक है, और अगले जो पेरेंट्स का लेवल है वो इंटरमीडिएटरी में आ जा सकता है, देन जो नेक्स्ट है हम लोग बिल्कुल रिच कैटेगरी में ले सकते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा डोनेशन दिया है। तो इस तरह की जो वैलिडिटी है, ठीक है, इस तरह का अगर आप चेक लगा पा रहे हैं अपने रिसर्च में, दैट इज योर पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है, जो चीजें आप लोग बाद में एनालाइज कर पा रहे हैं वो है पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी, राइट। तो यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक सबको क्लियर है तो आप लोग बता दें अगर किसी को कोई भी इशू है यहां तक, ठीक है, किसी भी पॉइंट में। तो ये थे हमारे पास तीन पॉइंट्स क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी के। तो वही चीज यहाँ पे दोबारा से थ्योरेटिकल क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी 1 मिनट दे रही हूँ, आप साथ साथ जो है जितने भी लोग लिंक्ड हैं, ठीक है, ज्वाइंट है राइट नाउ, आप लोग एक बार इसे रीड आउट करिए, ठीक है, रीड आउट करिए तीनों पॉइंट्स को, फर्स्ट सेकंड एंड योर थर्ड। अगर डन भी हो जाता है ना, आप लोग मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि हाँ हो गया करके, ठीक है, जितना हम लोग इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैट बॉक्स में ना एक वर्ड भी लिखते हो, सपोज कीजिए अगर आप साथ साथ एक वर्ड भी लिखते हो ना, तो वो भी चीज वहां पे आती है।
एक सेकंड रुकिए। आप लोगों को विजिबल है ना सबको? चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग अब। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये रीड आउट कर लिया है कंप्लीट। तो नेक्स्ट बता रही हूँ मैं। तो ये थी हमारे पास तीन कैटेगरी अंडर योर क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया बेस्ड जो वैलिडिटी है, अंडर दैट यू आर हैविंग फर्दर दीज थ्री कैटेगरीज, दैट इज योर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड योर कंकरेंट एंड पोस्ट प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। चलिए फर्दर मूव ऑन करते हैं हम लोग। सो देर वॉज अ बेसिक कैटेगरी यू पीपल वर हैविंग, दैट इज योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंडर ही हमने सारी कैटेगरीज की थी, बट ओवरऑल भी हम लोग ये जजमेंट लगा सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि एक लाइक स्ट्रक्चर डिजाइन करना। ठीक है, स्ट्रक्चर आप किसके बेसिस पे करते हैं? सबसे पहले यू मस्ट बी वेरी क्लियर अपॉन योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, यू मस्ट हैव द वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, बट बिफोर परफॉर्मिंग योर रिसर्च यू मस्ट हैव द कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर योर रिसर्च। ठीक है, ऑप्टिमल जो है रिजल्ट आप लोग जो है फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यू मस्ट बी क्लियर अपॉन योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप बोल सकते हैं आपका जो थ्रेटिकली जो उस चीज को समझने का था वो सारा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, देन ओनली आप कर पाएंगे। तो इस वैलिडिटी में वही है कि इट शोज द मेजर इट शोज दैट द मेजर रिलेट्स टू अ वैरायटी ऑफ अदर मेजर्स एज स्पेसिफाइड इन अ थ्योरी। मतलब अगर एग्जिस्टिंग भी कोई चीजें इससे रिलेट करती हैं तो वो आप लोग कंप्लीटली यहाँ पे समझ करके उसके फर्दर आप कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग किसी भी तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिसर्च भी परफॉर्म करें, किसी डिजीज पे भी कुछ रिसर्च परफॉर्म करें, तो उसका कंप्लीट कंस्ट्रक्ट आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हर चीज के साथ उसको जो है कोरिलेट करके वहां पे चीजें बतानी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बतानी पड़ेगी। ठीक है, द इंडिकेटर मेजर्स द कंस्ट्रक्ट इन अ मैनर दैट इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब आपको बताना पड़ेगा एक फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे फैक्टर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ज होंगे विद अदर मेजर्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। इन टर्म ऑफ डायरेक्शन मतलब आउटकम तक बताना पड़ेगा आपको फ्यूचर रिलेट करके कि आगे तक ये चीजें हो सकती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इनकम लेवल कन्वर्जेस। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है सिंपल सी, यहाँ पे जितनी अच्छी एजुकेशन आप लोग गेट करेंगे द लेवल ऑफ एजुकेशन यू विल हैव, राइट, द इनकम जो लेवल होगा आपका इनकम का उतना ही कन्वर्ज करेगा। अगर आपका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, यू आर वेरी गुड क्वालिफाइड, देन डेफिनेटली योर इनकम विल बी अकॉर्डिंग टू दैट, राइट? अकॉर्डिंग टू दैट जो है आपकी इनकम भी होगी फ्यूचर में। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन की फॉर्म में इसलिए कि उसको अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड करना जो है वो इजी रहेगा। तो इस तरह से आपको ये कन्वर्जिंग पॉइंट जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगर ऑपोजिट जा रहा है तो वो चीज भी बतानी है, अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो वो चीज भी बतानी है। सो दिस इज योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एक्यूरेटली रिप्रेजेंट। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की अगर हम लोग बात करें तो और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, कहते हैं इट इज द डिग्री टू विच मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू मेजर द सेम कंसेप्ट इन एग्रीमेंट। ठीक है, आप बार बार उसी चीज को करके देख रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे कोरिलेशन आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज योर कन्वर्जेंट वैलिडिटी, जो कि अंडर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का ही एक टाइप आप मान के चल सकते हैं। कहते हैं फॉर टेस्टिंग कन्वर्जेंट वैलिडिटी वो इवेल्युएटेड द आइटम टू टोटल।
एक-एक आइटम को आपने कंपेयर करना है टोटल के साथ, ठीक है। इस तरह से आप लोग वैलिडिटी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बोल से आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, मतलब हर एक सब मॉड्यूल को भी आप प्रॉपरली चेक लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तब जा करके आप एंटायरली जो है प्रॉपर चेक करेंगे कि प्रॉपर आउटकम के हिसाब से वो ठीक है कि नहीं। एंड फर्दर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या था, हमने पहले ही पढ़ा है। इट इज द डिग्री टू विच द मेजर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट आर डिस्टिंक्ट। तो अगर आप ऊपर हाई कोरिलेशन की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ पे लो कोरिलेशन होगा, वो आपस में उतना ही कम रिलेट करते होंगे, ठीक है। और वन अनरिलेटेड भी हो सकता है, ये कम होगा या तो बिल्कुल भी ना रिलेट करता हो, कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी आपके पास हो सकते हैं। फाइन, तो ये हमने बहुत बार बार रिवाइज कर लिया, आई होप कि अब ये डिफरेंसेस क्लियर है हर पॉइंट में। तो ये आप लोग खुद से एक बार रीड आउट कर लेंगे, ठीक है, बस इसलिए कि एक बार हमारा प्रॉपर रिवीजन जो है वो हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पे जो है एक बार एक मिनट लेकर के पढ़ भी सकते हैं इस चीज को। तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ आपका रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो यस्टरडे वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक, दैट इज रिलायबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे बताया था रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ योर रिजल्ट, है ना। कंसिस्टेंसी को ही हम लोग बोल देते हैं, आप जितनी बार मर्जी ट्राई करके देख लो, बार बार टेस्ट परफॉर्म करके देख लो, मेरा जो रिजल्ट होगा ये हमेशा वेरीफाइड होगा, ठीक है। मतलब बार बार वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा मेरा, ठीक है। एंड रिलायबिलिटी को भी मैंने कल दो पार्ट्स में बताया था, आप लोग स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी की फॉर्म में रिलायबिलिटी को चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो रिसर्च है वो रिलायबल है या नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है वो यही है आर सी, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं ना हम लोग, तो आप लोग आर सी के नाम से याद रख लीजिए, रिलायबिलिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। तो ये चीज बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है आपसे कि कंसिस्टेंसी भी रिलायबिलिटी से मैच कर रही है या वैलिडिटी के साथ कंसर्न है। सो यू मस्ट बी क्लियर अपॉन दिस पॉइंट कि जो कंसिस्टेंसी है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर reliability of the research, right? तो next है हमारे पास यहाँ पे validity. अब validity and reliability में क्या difference है, मैं directly यहाँ से पढ़ रही हूँ, ठीक है, directly यहाँ से देखते हैं। तो reliability का मतलब है कि जो आपकी output आई है, outcome का मतलब क्या है, हमारी जो output आई है वो consistent है। आप जितनी बार मर्जी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देख लो, एक बार, दो बार, दस बार करके देख लो, मेरा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सही आएगा क्योंकि मैंने मेथड से बिल्कुल वहां पे सही लगाए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आउटपुट की बात हो रही है कि जो हमारा आउटपुट है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, आप जितनी बार मर्जी रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देख लो। बट इफ वी टॉक अबाउट द वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, मेथड्स को चेक कर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे आउटपुट की कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे मेथड्स क्या है, कहते हैं इट इज एक्सटेंड टू विच द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। जो भी आपने टूल्स एंड टेक्निक्स यूज की हैं, या आप मेजरमेंट टेक्निक्स यूज किए हैं, या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं आपने, ठीक है, डाटा यूज इन द एक्सपेरिमेंट मेजर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू मेजर। बिल्कुल उसने उसी तरीके से मेजरमेंट की टेक्निक्स लगाई है जो आपको एक्चुअल में चाहिए थी, सो डेट आपको एक्चुअल जो है आउटपुट जो है वो चाहिए थी, ठीक है। तो अब ऐसा है कि दोनों ही पॉइंट्स जो है आपको चाहिए, वैलिडिटी भी चाहिए वाइल परफॉर्मिंग योर रिसर्च एंड यू ऑल्सो नीड द रिलायबिलिटी ऑल्सो। तो आपका जो रिसर्च है वो रिलायबल भी होना चाहिए एंड योर रिसर्च मस्ट बी वैलिड ऑल्सो, तभी वो सबसे बढ़िया जो है वो माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम स्लाइड्स दोबारा ली गई हैं, आप लोग एक बार यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं इस चीज को। तो आज का लास्ट टॉपिक है कि इस डायग्राम को हमने समझना है, ठीक है, इस डायग्राम को हम लोग एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी रीड आउट कर ली है, ठीक है, कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं दोनों में किस तरह से आपने चेकआउट करना है। रिलायबल का मतलब क्या था, हमारे पास कंसिस्टेंसी, ठीक है, एंड वैलिड का मतलब क्या था कि सही लगाया आपने, है ना, मेथड्स जो टूल्स हैं वो जो है वो सही लगाए, कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा है टूल्स, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि क्या ये रिलायबल है,
हाँ मतलब हर बार सिमिलर टाइप का रिजल्ट दे रहा है ना, हर बार सिमिलर टाइप का रिजल्ट ही दे रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ इट इज प्रिसाइज। प्रिसाइज तो है, बट जो हमें एक्चुअल में चाहिए था ना, वो बात यहाँ पे नहीं बनी, ठीक है, इन एक्यूरेट डेटा सेट। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे टारगेट पे करना था, एटलीस्ट अगर टारगेट पे नहीं उसके आसपास तो पहुंचना था, बट उसके आसपास भी हम लोग नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो जो व्हाट वी वर सपोज्ड टू डू इन आवर रिसर्च, ठीक है, दैट थिंग इज नॉट हैपेंड ओवर हियर, तो हम लोग बोलेंगे रिलायबल नॉट वैलिड। सो दिस इज योर फर्स्ट थिंग, ठीक है, रिलायबल बट नॉट वैलिड। उसके बाद में ये वाला जा रही हूँ, यहाँ पे सेकेंड में ये वाला डिस्कस करना चाहती हूँ, कहता नॉट रिलायबल, ठीक है, नॉट वैलिड। अब यहाँ पे क्या किस तरह का आ रहा है आप लोगों का, नॉट रिलायबल, ठीक है, इनएक्यूरेट भी है, इनएक्यूरेट भी है, हर बार सेम आंसर तो आया नहीं, आसपास भी नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंसिस्टेंसी भी फॉलो नहीं हुई। अगर मैं ये बात करूँ कि सारे यहाँ पे शूट आउट करने थे आपने, तो आपका वो भी नहीं हुआ, इनएक्यूरेट भी है, इनप्रिसाइज भी है डेटा सेट। तो दैट इज योर सेकेंड कैटेगरी, दैट इज नॉट रिलायबल नॉट वैलिड। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड हो गई, सेकेंड टाइप मैं इसको बोल रही हूँ, नॉट रिलायबल एंड नॉट वैलिड। थर्ड में इसको डिस्कस करना चाहती हूँ, रिलायबल एंड वैलिड। अब देखिए आप, रिलायबल भी है, हर बार स्टेबल आंसर तो आया है ना आपका, हर बार आपका स्टेबल आंसर आया है, या आप बोलो हर बार कंसिस्टेंट आंसर आया है, बहुत एग्जैक्ट कंसिस्टेंट नहीं बट आसपास तो है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल पास में है वो लोग सब। एंड जो आपको एक्चुअली सपोज्ड थे आप लोग अचीव करने के लिए, वो चीज भी है। ठीक है, हमें क्या करना था, ये सेंटर पे ही करने थे सारे शूट आउट, ठीक है, वो सेंटर पे बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, बट उसके सब आसपास ही है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बहुत बढ़िया ही मानेंगे इसको हम लोग। सो इट इज योर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज डेटा सेट, इट इज योर रिलायबल एंड वैलिड डेटा सेट। ठीक है, तो ये हमारी हो गई थर्ड कैटेगरी, ठीक है, ये हमने की है थर्ड कैटेगरी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ देखते हैं हम लोग, वैलिड नॉट रिलायबल। अब वैलिड क्यों, ठीक है, एक तो हमने यहाँ पे चला लिया है, ठीक है, बट वी वर सपोज्ड टू डू, चलो एक तो हुआ है बट हम लोग इस चीज को नहीं मान रहे। ठीक है, आप देखेंगे कंसिस्टेंट रिजल्ट जो है नहीं आया, ठीक है, आप कहीं पे भी हर बार जो है कहीं और ही शूट आउट कर रहे हैं, हर बार कहीं और, हर बार कहीं और, कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्यूरेट तो है बट इम्प्रेसाइज डेटा सेट है। ठीक है, तो हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजनेस, ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, प्रिसीजन बोल दो या प्रिसाइजनेस बोल दो, तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन करना है। तो आई होप कि ये डायग्राम बहुत अच्छे से हमें क्लियर है कि चारों जो है वो किस तरह से यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो एक बार अगर रीड आउट करना है तो हम लोग ये कर सकते हैं, रिलायबल मतलब कंसिस्टेंट, हर बार आसपास वहीं पे आ रहे हैं, एंड वैलिड मतलब जो आप एक्चुअली मेजर करना चाहते थे वही चीज आपको मिली है। ठीक है, तो एंड रिलायबल अगेन कंसिस्टेंट, नॉट वैलिड का मतलब होगा कि जो हम एक्चुअल में मेजर करना चाहते थे वो चीज नहीं मिली बट कंसिस्टेंट रिजल्ट है। अनरिलायबल मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट भी नहीं आया और जो हमने करना था आउटपुट चाहिए था वो भी नहीं आया। अनरिलायबल नॉट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रिजल्ट तो नहीं आया बट ठीक है, एक दो हम जो चाहते थे वो चीज पूरी हो गई है, चाहे कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है, जो चाहते थे वो चीज हो गई है, हमने एक मार दिया बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास है ऑल द फोर कैटेगरीज, ठीक है, ऑल द फोर कैटेगरीज। तो ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है, तो फर्दर टॉपिक्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी होती है ना कोर्स के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो मैम का नंबर भी ऊपर डिस्प्लेड है, दिस इज माय नंबर, ठीक है, आप लोग जो है डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, राइट। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में अगर हम लोग बात करें तो क्या डिफरेंस होते हैं, कहते हैं एक्यूरेसी का मतलब क्या है, जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो आपने आउटपुट जो फाइंड आउट की है, ठीक है, उसको आपने कंपेयर किसके साथ करना है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट के साथ, एक आपने किया है, एक जो एक्चुअली आपको परफॉर्म करना था, जो आउटपुट आनी ही चाहिए, उन दोनों में फर्क देख लोगे कितना को एरर आ रहा है आपका। ठीक है, वो होती है हमारे पास एक्यूरेसी। ठीक है, अब प्रिसीजन का मतलब क्या हो गया हमारे पास, प्रिसीजन इम्प्लाइज द लेवल ऑफ वेरिएशन दैट लाइज इन द वैल्यूज ऑफ सेवरल मेजरमेंट। अगर मैं बोलूं
एक बार मेरा 4.2 आ गया, एक बार मेरा 4.3 आ गया, एक बार मेरा 4.4 रिजल्ट आ गया, एक बार 4.5 आ गया, ठीक है। ये क्या है, हमारी वेरिएशंस है हमारे ही रिजल्ट में, आपस में कंपेयर कर रहे हो कि कितना एरर है, वो हमारा हो गया प्रोसीजर। अगर एक्चुअल जो रिजल्ट था कि आपको 5 ही स्कोर करने हैं, बट आपने कितना किया है, 4 स्कोर किया है एक्चुअल में, और आपके वाले में जो डिफरेंस निकालेंगे वो होती है हमारे पास एक्यूरेसी, ठीक है। तो एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट जो आपका एम है ना उसके साथ आपने कंपेयर करके देखना है। और प्रिसीजन होता है जब बार बार आप लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, आपस में आप लोग एरर फाइंड आउट करके देख सकते हैं, ठीक है। इट हाउ क्लोजली रिजल्ट एग्री विद द स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पॉइंट क्लियर है, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। हाउ क्लोजली द रिजल्ट एग्री विद वन अनदर, आपस में विद वन अनदर कंपेयर करना, दैट इज अंडर योर प्रोसीजर। यहाँ पे सिंगल फैक्टर है, जो आपका सिंगल एक आंसर आएगा वो उसको आप स्टैंडर्ड वाले के साथ मेजर करोगे, बट यहाँ पे मल्टीपल आंसर आएंगे, ठीक है, आपको उनका भी एरर फाइंड आउट करके, मीन फाइंड आउट करके फिर आप एक्चुअल से करेंगे। तो यहाँ पे है स्टैटिस्टिकल बायसनेस आ सकती है, ठीक है, कि आप जब मेजर कर रहे थे तब कोई इशू वगैरह आ गया हो, आपने अच्छे से नहीं कर पाए हो। यहाँ पे आता है स्टैटिस्टिकल वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब हर बार जो है कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, यहाँ पे कुछ दिक्कत आई होगी, यहाँ पे कुछ दिक्कत आई होगी, यहाँ पे, तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी है। यहाँ पे सिस्टम एरर हो सकता है, यहाँ पे आपका खुद का रैंडम एरर, कहीं पे भी कुछ भी सिस्टम एरर भी हो सकता है, बट यहाँ पे एक ही बार होगा, यहाँ पे रैंडमली बार बार होने के चांसेस आप लोगों के हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस अबाउट योर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो फर्दर मैंने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो लिए हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग रिसर्च कुछ कुछ करके जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इफ यू पीपल आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेरी, ठीक है, आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।